हाँ तो बेसिक तो एज वी नो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट व्हाट वी कॉल देम यस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। गुड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वेस्ट की जगह सब्सटेंस भी कह सकते हो। क्लियर। क्या कह सकते हो? सब्सटेंस भी कह सकते हो। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट, ये आया कहाँ से? बेसिकली प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होती है, किसके? प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होगा। आपको पता है प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बना होता है। आपको पता है एमिनो एसिड में क्या होती है? अमोनिया होती है। अरे अमोनिया ग्रुप होती है कि नहीं बताओ? तो जब इनका ब्रेकडाउन सर होगा अमीनो एसिड का, इतना भी न्यूट्रल हो, बेसिक हो, एसिडिक, वैसा भी हो, अमोनिया ग्रुप तो है। तो जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा अमोनियम। क्या बनेगा? अरे बोलो। क्योंकि आपके पास प्रोटीन में क्या क्या होती है? कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। तो इनको हम लोग याद करने का तरीका हमने ढूंढा था कौन के नाम से, किनके नाम से? कौन? ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर है? तो प्रोटीन है एमिनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन एक हाइड्रोपॉलीमर है और ये मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आया था, मतलब रिटेन डेट में आया था। याद होगा आपको बायोमोलिक्यूल का। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होगा अमोनिया के बाद? अच्छा, अमोनिया नीड्स मच मोर वाटर, मतलब मैक्सिमम वाटर किसको चाहिए रिमूव करने के लिए? अमोनिया को चाहिए, क्योंकि मोस्ट टॉक्सिक होता है। क्लियर है? तो ऐसा लिखेगा, एक तरफ लिखेगा नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, एक तरफ लिखेगा नीड ऑफ वाटर। नाइट्रोजन वेस्ट में पहले हम लोग बात करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया में मीन्स NH3। तो इसमें क्या बोलेंगे? 1 ग्राम नीड 500 ml ऑफ वाटर। क्लियर? अरे बोलो ना भाई, मैं H2O नहीं लिखता हूँ, सर डायरेक्ट वाटर लिखता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके पास क्या है, यूरिक एसिड है। अब पहले क्या है, यूरिक एसिड आएगा, यूरिया आएगा, बताइए? यूरिया आएगा। तो इसका 1 ग्राम यूरिया इट नीड 50 ml, काफी कम हो गया ना। इसका मतलब पहले वाले के कंपेयर में इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे यूरिक एसिड। इनका 1 ग्राम इट नीड्स 10 ml ऑफ वाटर। अच्छा, ये इसमें जो यूरिक एसिड होगा ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट। पैलेट्स और पेस्ट। अरे बोलो भाई, ये आपको एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट। इज इट क्लियर? तभी आपने ये नहीं देखा होगा बर्ड्स वगैरह कि दे आर यूरिनेटिंग, वो एक ही काम करता है, इसमें दोनों काम हो जाते हैं। समझ में आ रही है? क्लियर है? सर आगे बढ़ो। हाँ सर एक सेकेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज नोन एज, जिस प्रोसेस के थ्रू वो इन सब अपने नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करते हैं, उनको बोलेंगे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म हम क्या समझते हैं कि वो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया है, जहां पर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? अमोनिया होगा। अरे क्या होगा बोलो? मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? अमोनिया होगा। अच्छा इन केस ऑफ यूरियोटेलिज्म, मतलब यूरियोटेनिक एनिमल्स में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो यूरिया होगा। वेर इन केस ऑफ यूरिकोटेलिज्म एज मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। क्लियर है? एनिमल्स आर नॉन एज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, मोस्ट टॉक्सिक होगा अमोनिया। दे नीड मच मोर वाटर, दे नीड मच मोर वाटर। एंड जो आपके पास यूरियोटेलिक होंगे, दे आर मॉडरेटली टॉक्सिक, मतलब 1 ग्राम ऑफ
अमोनिया के लिए इनको रिलीज करने वन ग्राम ऑफ यूरिया के लिए इट नीड्स 50 एमएल ऑफ वाटर, क्लियर है? वेर इज इन केस ऑफ वन ग्राम ऑफ अमोनिया इट नीड्स 500 एमएल ऑफ वाटर, वेर इज इन केस ऑफ यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड के लिए, क्योंकि वो लीस्ट टॉक्सिक है और उनको ज्यादा कंसेंट्रेट यूरिन को रिलीज करना होता है, इसलिए दे नीड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर 10 एमएल है ना। दवाई है होगा तो लिक्विड वाला दवाई सिरप वगैरह जो एक ढक्कन दवाई खाते हैं ना, जो भी उसको बोलते हैं, दैट इज कोई 5 एमएल का होता है 10 एमएल का होता है। अब तो इतना चीज यूज करेगा तब जाके 1 ग्राम को वो रिलीज कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना। और एक्सक्रेटर का फॉर्म किसमें होगा? अब जो ऑब्वियसली जो जिस हैबिटेट में रहता है उसी फॉर्म में करेगा। तो जो अमोनोटेलिक है वो लिक्विड फॉर्म में करेगा, जो यूरियोटेलिक है वो लिक्विड फॉर्म में करेगा। अरे ये तो आप भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे लाइफ से जुड़ी हुई बात है। हाँ जी, जो भूलेगा वो अपने आप को भूल जाएगा, ठीक है? वेयर इज इन केस ऑफ यूरिकोटेलिक दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट, जो आपको सबसे अच्छा इन्हीं के बारे में पता होगा। कई रास्ते में चल रहे होते हैं तब से टपक गिरता है, आई होप ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लो किसी पेपर पीपल के पेड़ के नीचे चल रहे हैं या किसी पेड़ के नीचे चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स वगैरह रहते हैं ऊपर से टपक के। हाँ जी, अब बोलते हैं ना हमें प्रसाद मिला, हमें ये मिला, हमें वो मिला। बेसिकली प्रसाद या कोई गिफ्ट नहीं होता है, कोई गुड लक नहीं होता, बेसिकली यूरिक एसिड। इसके लिए ये मिलेगा आपको एक्वेटिक एनिमल्स में, ये मिलेगा आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ये मिलेगा इंसेक्ट बर्ड्स और रेप्टाइल्स। बात समझ में आई? अरे बोलो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलो। यस, हाँ सर।